daily expenditure on foods of 25 households in a locality. यहाँ पर डेली एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसहोल्ड दिए हुए हैं. फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड. किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वेरी लार्ज है नंबर, इसलिए मेरे यहाँ सजेस्ट ये है कि आप जो है इसे स्टेप डाइविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे आप? एप्साइन. फिर क्या लिखेंगे? di is equal to epsilon minus a. ध्यान रखना जो assumed mean होता है वो हमेशा a से epsilon से find out किया जाता है. कहाँ से? epsilon से. और epsilon क्या है? क्लास मार्क. इन दोनों के सम का half value, mid value. फिर आप क्या निकालेंगे? ui is equal to di upon h और फिर fi ui की multiply कर देंगे और इसी formula में रख देंगे a plus summation f i u i upon summation f i into h. तो इस तरीके से आप स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे. प्लीज dip do its practice. To find out of concentration of SO2 in the air in part per million या ppm in parts per million. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. यहाँ पर ये दिया गया find the mean concentration of SO2 in the air. क्या होगा ये? यहाँ पर ये दिया हुआ है. सबसे पहले हम बिल्कुल उसी तरीके से xi निकालेंगे. xi क्या होगा? mid value. इसकी mid value कितनी होगी? 0.02. दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो. दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.06, फिर 0.10, फिर 0.14, 0.18, 0.20. सॉरी, ये आएगा 0.2. इट्स क्लियर. अब हम यहां पर क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू क्वेश्चन करते दोनों के सम का हाफ. चलिए तो किसे मानना चाहेंगे आप? इसको मान लेते हैं. इसको मैंने ए मान लिया. आपकी मर्जी, इसे भी मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो. तो अब क्या निकालेंगे हम यहां पर? डी आई इज इक्वल टू एप्साइलन माइनस ए. तो कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा माइनस के 0.08, 0.04, ये 0, ये आ जाएगा प्लस के 0.04, ये आ जाएगा प्लस का 0.08 और ये आ जाएगा प्लस का 0.12. कितना का डिफरेंस है इसमें? 0.04. तो एज्यूम्ड मीन क्या हो गया हमारा? एज्यूम्ड मीन ए बराबर हमने माना 0.10 और एच बराबर कितना आ जाएगा? 0.04. बिल्कुल उसी तरीके से, उसी ट्रिक से यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच. बिल्कुल वही ट्रिक. क्या करेंगे यहां पर? यहां पर लिखेंगे 0, 1 और 2 माइनस और यहां पर लिखेंगे 1, 2 और 3. नीचे की तरफ प्लस, ऊपर की तरफ माइनस. अब हम लास्ट टेबल और एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस एट हो गया, माइनस नाइन हो गया, 0 हो गया और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6. इसको जोड़ दो, ये कितना हो गया आपका? 16 और ये हो गया माइनस के 17. तो अब हमारा मीन क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई एन टू एच. ए क्या माना हमने? 0.10 प्लस, इसका सम तो हमने निकाला ही नहीं, एफ आई यू आई इज इक्वल टू सिंपल माइनस 1 हो गया. तो कितना हो जाएगा ये? माइनस 1 अपॉन 30 इंटू
0.04, इसका डेसिमल हटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा ये 0.10 माइनस 4/300, ये आ जाएगा 0.10 माइनस अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा ये 0.001, तो आंसर हो जाएगा 0.099 अप्रोक्सीमेट, दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 8, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहां पर किया गया ऑफ ए क्लास ऑफ द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट, मीन नंबर ऑफ डेज, तो देखिए मीन नंबर ऑफ डेज क्या निकालेंगे हम यहां पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई क्या होता है क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू, इन दोनों के सम का हाफ कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया आपका 8, ये कितना हो गया 24 का हाफ हो जाएगा 12, ये कितना हो गया 34 17, ये कितना हो गया 48 का हाफ 24, ये कितना हो गया 66 का हाफ हो जाएगा 33, और ये कितना हो गया 78 39, तो ये हो गया हमारा एच। अब इसमें हमने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, तो लेट एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू 17। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस पी, घटाइए माइनस के 14 माइनस 9 माइनस 5 0 7 16 और ये हो जाएगा 22। अब देखिए इक्वल गैप नहीं है यहां पर आपका ये इक्वल गैप नहीं है, इसलिए यहां पर स्टेप डेविएशन नहीं लगेगा, एच की वैल्यू नहीं निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे यहां पर, ये है आपका एफ आई, तो एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई माइनस 154 माइनस के 90 माइनस 35 0 28 48 और 20, इसका जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, समीशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 97 और माइनस के, और ये कितना हो जाएगा 8, ये आ गया 7 जो 8 और 9, तो ये जोड़ के आ जाएगा माइनस के 181। क्लियर, तो अब यहां पर मीन कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, शॉर्टकट में करिए, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ए कितना माना हमने 17 प्लस माइनस 181 अपॉन 40 इज इक्वल टू 17 माइनस ये आ जाएगा 4.52 इज इक्वल टू 12.48, प्लीज मेक इट आउट। सॉल्यूशन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट 35। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां पर निकालेंगे एक्स आई, फिर निकालेंगे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, क्योंकि इनमें गैप इक्वल है इसलिए आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्या लिखे हम यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां पर,
mean is equal to a plus summation f I u I upon summation f I into h. Our answer is 69.43% iska answer ho jayega. So please DIP do its practice. Please make it up. तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 14.1 जिन इस एक्सरसाइज में हमें मीन निकालना था. मीन हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना सीखा. प्यारे बच्चों, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम उसे बांटते हैं, दूसरों को बताते हैं. So I hope you liked this video and that what I have told you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.